यहाँ पर फिर से क्राइम का रेट बढ़ गया है, करप्शन ज़्यादा हो रहा है, सब जगह क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कानून व्यवस्था तो ठीक नहीं हुआ है इनके शासन में, और ये ओल्ड एज हो गया नीतीश कुमार। आपको देखे हम खराब हो गए, हमको देखे आप खराब हो गए। अच्छा देखिएगा अच्छा होगा, खराब देखिएगा खराब होगा। जंगल राज तो वो जब तक रहेंगे तब तक तो रहना ही रहना है। वो इतना दिन हो गया इनको, लेकिन ये चीज़ उनको मैंने कवर नहीं किए, तो अब रह के क्या करेंगे। अब उनको जाना चाहिए, तब से मैंने थोड़ा बहुत ठीक हुआ शुरुआत में, अब फिर ई जब इधर उधर करने लगे फिर वही रास्ता ही मैंने चला है। तो इनको अब नहीं रहना चाहिए, इनको अब नहीं लगता है जब नहीं संभरेगा बिहार तो इनको सत्ता छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में कानून व्यवस्था कैसी रह गई है, कल की खबर है कि आपको लखीसराय में एक प्रेमी ने प्रेमिका के परिवार वालों पर गोली चलाई और दिन दहाड़े ऐसा वारदात किया जिससे 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और तो और कुछ दिन पहले की बात है कि जमुई में बालू माफिया के द्वारा एक दरोगे पे ट्रैक्टर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई। तो चलिए इसके बारे में चलकर आज लोगों के बीच मैं बातें करूंगा और पता करूंगा कि आरजेडी की सरकार जब से सत्ते में आई है तो क्या लगता है कि जंगल राज फिर से वापस आ रही है या नहीं, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। चलिए चलकर लोगों से ही बातें करते हैं। जी सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं बेसिकली रहने वाला मुजफ्फरपुर का हूँ जी। तो मेरा आपसे इसी बात पे मतलब बातें करनी थी। जैसे कि आपको ही पता होगा कि लखीसराय में कल एक घटना हुई, एक प्रेमी ने प्रेमिका के परिवार वाले पे गोली चलाकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई। तो क्या लगता है कि मतलब जब से आरजेडी की सरकार जो जब सत्ता में आई है तो क्या जंगल राज फिर से वापस आ रही है? देखिए, ये तो कहने की चीज़ है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। ये तो लोकल इश्यूज हैं, जैसे अब प्रेमी प्रेमिका को गोली मार दे या प्रेमिका के घर वाले किसी को गोली मार दे, ये तो मतलब एक परिवार की बात है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कानून और मतलब पुलिस और इन सब चीज़ों का इसमें कुछ ऐसा लग रहा है। ये सब तो मतलब एक छोटी से परिवार की एक घटना लग रही है, लेकिन जहाँ तक रही बात कानून व्यवस्था की तो ऐसा नहीं है। मतलब छीटपुट घटनाएं तो पहले के सरकारों में भी होती ही रही हैं। मैं मतलब किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मतलब एक दो घटना पे किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करना कि इनके शासन में हो रहा है, ये 5 साल पहले नीतीश बाबू थे उनके शासन में भी होता था। उससे पहले जब 2005 में आए थे तब भी इक्का दुक्का छीटपुट घटनाएं तो होती ही रहती हैं। लेकिन सर ऐसा देखा जा रहा है कि चलिए प्रशासन की बात करें, कुछ दिन पहले जमुई में ऐसा एक घटना हमारे सामने आया था कि एक बालू माफिया ने दरोगा पे ही मतलब ट्रैक्टर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई। तो क्या मतलब अपराधियों के मन से प्रशासन के प्रति जो डर जो खौफ था सब खत्म होते जा रहे धीरे धीरे? देखिए, ये सब मतलब एक दो ऐसे घटनाएं हैं जो कहीं कहीं घटती है तो इस तरह की बातें उठती हैं, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो बिहार में शांति है। ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कहीं से मतलब कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं कि पूरे प्रशासन को ही इसका जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। हाँ, आप जो बातें कह रहे हैं जैसे बालू माफियाओं का, तो अभी कुछ दिन पहले इधर में भी आपके सोन में होता है ना, सोन नदी उधर से भी, तो उधर में भी कुछ दिन पहले ऐसी घटनाएं सुनने में आई थी, चर्चा में आया था कि उधर में भी ऐसा कुछ हुआ था। तो ये सब सर मतलब पूरे ओवरऑल बिहार की अगर आप बात करें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। एक दो छीटपुट घटनाएँ आप चाहे वो चोरी की हो चाहे डकैती की हो, लूटमार और बालू खनन, ये सब मतलब छीटपुट। हाँ, अगर ये अगर काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे अगर होना शुरू हो जाए तब ये कहने की बात हो सकती है। ओवरऑल आप देखेंगे तो मतलब कमोबेश सभी के सरकार में वैसे ही चीज़ें चलती रहती। चलिए सर, मैं आपसे बातें करना चाहूँगा, आप अपना पहले नाम बताएंगे? सरोज। सरोज, आप कहाँ के रहने वाले? यहीं पटना के हैं जी। सर, जैसे कि नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू कहा जाता है, उनके जो पहले 5 साल जो थे उसमें उन्होंने प्रशासन को लेके बहुत ही मतलब एक तरह से टाइट बंदोबस्त कर रखा था, तो एक तरह से अपराधी के अंदर भी प्रशासन को लेके खौफ थी, लेकिन अब वो देखा जा रहा है कि धीरे धीरे कम होते जा रहे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विशेष तो इसमें कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो कानून व्यवस्था का बात है बहुत हद तक तो ठीक है, लेकिन घटनाएँ तो होती ही रहती है छोटा बहुत थोड़ा बहुत। लेकिन कुछ ये सरकार बदलने के बाद जिस तरह का आप बता रहे हैं कि इस तरह का लोगों का कहना है, तो थोड़ा सा क्राइम तो लगता है कि बढ़ा है। अब बालू का हो, अब देखिए दरोगा जी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है,
तो बहुत तरह का बात है, उठता है, लेकिन ओवरऑल अगर माने तो बिहार में सब कुछ सामान्य है और प्रशासनिक स्तर पर तो ठीक ही है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि अभी फिलहाल के लिए ठीक है? हाँ, मतलब कुछ तो देखिए, कुछ पार्टी का जो आदमी होता है या कुछ मतलब समय के हिसाब से जो अपना कार्यकर्ता लोग होता है, कुछ तो मैंने सरकार आने के बाद अपना उन लोगों को होता है, लेकिन फिर भी कानून व्यवस्था में तो ठीक ही है और जगह की अपेक्षा। चलिए, तो चलकर इसके बारे में और भी लोगों से पता करेंगे और पूछेंगे कि मतलब उनका क्या राय है। और भी लोगों से बातें करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? रमेश कुमार सिंह। आप कहाँ के रहने वाले? यहीं पटना का ही। जी, जैसा कि देखा जा रहा है, कल लखीसराय में एक घटना घटी जिसमें एक प्रेमी ने प्रेमिका के परिवार वालों पे गोली चलाई, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बारे में आप थोड़ा मुझे बताएंगे? यहाँ पर फिर से क्राइम का रेट बढ़ गया है, करप्शन ज़्यादा हो रहा है, सब जगह क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, प्रशासन ढीले हो गए हैं। जी, मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि लोगों का कहना है कि RJD की सरकार जब से सत्ता में आई है, तो क्या लगता है कि जंगल राज फिर से वापस आ रहा है? हाँ, जंगल राज फिर से आ चुका है जंगल राज सर। तो आप इसके बारे में आप कुछ बताएंगे, किस तरह से आपको लगता है कि जंगल राज फिर से वापस आ रहा है? जंगल राज वापस इस मायने में आ रहा है कि कहीं पर प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रही है, प्रशासन पब्लिक में भयभीत है, प्रशासन एक्शन नहीं ले पाती है टाइम से। और चलिए, प्रशासन की बात आपने की है, कुछ दिन मतलब एक सप्ताह पहले की बात है, जमुई में दरोगा पे बालू माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। जब प्रशासन खुद सुरक्षित नहीं है तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? तो क्या जंगल राज फिर से वापस आई है? हाँ हाँ, जरूर आई है, ऑफकोर्स आई है, 100% आई है। तो इसके लिए क्या की जा सकती थी? इसके लिए तो प्रशासन, मुख्यमंत्री को एक्शन लेना चाहिए, CM को एक्शन लेना चाहिए। मतलब एक तरह से कहा जाए तो प्रशासन को और थोड़ी टाइट होने की ज़रूरत है। हाँ हाँ, ऑफकोर्स जरूरत है, 100% जरूरत है। चलिए, तो चलकर इसके बारे में और भी लोगों से बातें करेंगे। जी सर, अपना नाम बताइएगा। लक्ष्मीकांत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं सर? खगड़िया। जी, जैसे कि आपको पता है कि कल की ही एक वारदात है, लखीसराय में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर वालों पर गोली चला दी जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है, जंगल राज फिर से वापस आ रहा है RJD को सत्ता में आते ही? देखिए, ये बात तो कानून व्यवस्था तो ठीक नहीं हुआ है इनके शासन में, और ये ओल्ड एज हो गया नीतीश कुमार, भाषा भी जो है ना इसका, देखते हैं कैसा बोलते हैं, वो भी विधानसभा में। इसलिए अब हमको तो लगता है कि इनको गद्दी छोड़ देना चाहिए, नीतीश को। तो सर, ये तो नीतीश कुमार की बात होगी, मेरी कहने की मतलब है कि RJD की सरकार जब से सत्ता में आई है, तो क्या कानून व्यवस्था का जो खौफ था अपराधियों के अंदर, वो ख़त्म होते जा रहा है? हाँ हाँ, वो ख़त्म हो गया, होते जाने रहा है, ख़त्म हो गया, एकदम निश्चित ख़त्म हो गया। तो चलिए, चलकर इसके बारे में महिला हैं यहाँ पर, उनसे भी बातें करूँगा। क्या लगता है मैम कि जंगल राज फिर से वापस आ रहा है? होने नहीं देंगे, लेकिन जो जनता कहेगी, जनता सब मिल जाएगा तब तो कैसे होगा? जंगल राज हो जाएगा तो हम लोग का फिर कैसे व्यवस्था होगा? ठीक नहीं ना, बाल बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा, आगे तो भविष्य हम ही लोग का बाल बच्चा खराब हो जाएगा। जिसका समय चला गया उसके लिए तो ठीक है, यही तो कहने का मतलब है। जब से RJD सरकार में आई है, लोगों का कहना है कि आपराधिक घटना बढ़ गई है। आप महिला हैं, आपको क्या लगता है, आप कितने महफूज हैं? महफूज तो नहीं है, बस सही है, RJD की सरकार में ऐसा तो नहीं लग रहा है, बस सही सब कर रहा है। जब 10 कह रहा है तो बस सही है, हम इतने जानते हैं, 10 जो कहता है गलत नहीं करता है, यही कारण। तो मतलब आप कहने का मतलब कि प्रशासन पहले जितनी टाइट थी, इधर थोड़ा ढीली नज़र आ रही है? सब देखते कि एक दूसरे को सब ख़त्म हो रहा है, और क्या, आपको देखे हम खराब हो गए, हमको देखे आप खराब हो गए, अच्छा देखिएगा अच्छा होगा, खराब देखिएगा खराब होगा। उधर सीमा है, इधर और कौन कौन बहुत सारा है, सब देख देख के सब बर्बाद हो रहा है, और क्या, कुछ मोबाइल बर्बाद कर रहा है। चलिए, तो चलकर इसके बारे में और भी लोगों से बातें करेंगे। मैम, अपना नाम बताइएगा। विनीता देवी। जी, कहाँ की रहने वाली हैं? जी, हम दरभंगा की रहने वाली हूँ। मैम, जैसा कि सबको पता है, कल लखीसराय में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर वालों पर गोली चला दी जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। तो क्या लगता है, लोगों का कहना है कि जब RJD की सरकार जब सत्ता में वापस आ रही है, तो क्या जंगल राज भी वापस आ रही है? जंगल राज तो वो जब तक रहेंगे तब तक तो रहना ही रहना है, वो इतना दिन हो गया इनको, लेकिन ये चीज़ उनको मैंने कवर नहीं किए, तो अब रह के क्या करेंगे, अब उनको जाना चाहिए।
क्या लगता है आप बिहार में रहती हैं, आप कितनी महफूज हैं? महसूस तो मैंने कि थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है, गांव घर में रोड नहीं था तो रोड उड बनाए हैं, लेकिन इस चीज़ में कवर नहीं किए हैं, जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। मतलब प्रशासन को अगर देखा जाए तो थोड़ा और मतलब टाइट बंदोबस्त रखना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, लगता है प्रशासनी बिहार में कम है। आप महफूज खुद को महसूस करती हैं या नहीं? जी हम करें उससे नहीं होगा, सब मने जितने नागरिक हैं सब करेंगे तब न मने कि फील होगा, एक कर लस तो नहीं होगा जी। चलिए इसके बारे में चलकर और भी लोगों से बातें करेंगे। मैम अपना नाम बताइएगा। मिकी देवी। कहाँ की रहने वाली है? आरा जिला। आपको क्या लगता है जो अभी हाल फिलहाल में जो घटना बढ़ती जा रही है, इससे क्या लगता है कि RJD की सरकार जब से सत्ता में आई है तो जंगल राज फिर से वापस आ रही है? आ रही है, आज शासन थोड़ा बढ़ाना चाहिए प्रशासन, कि लोग सुरक्षित रहे, इधर उधर मार इधर हो यह हो रहा है वो रो रहा है, लड़की लोग का ये रो रहा है, तो प्रशासन बढ़ाना चाहिए ना, हम भी इतने कहेंगे। तो मतलब प्रशासन को और मतलब सजग होना चाहिए और चाक चौबंद बरतना चाहिए। हाँ शासन बढ़ाना चाहिए कि लोग सुरक्षित रहे, अच्छा रहे देश में, और अच्छा नहीं रहेगा तो कहाँ। हाँ जी आप क्या कह रही हैं मैम? लालू का जो राज था उसमें तो दिन देखार होता था, मैंने औरत के घींच के ले जाता था, आदमी को जहाँ तहाँ अपना मारको पीट को अपना उसको दबा के रखा जाता था। ये जब से आए तब से मैंने थोड़ा बहुत ठीक हुआ शुरुआत में, अब फिर ये जब इधर उधर करने लगे फिर वही रास्ता ही मैंने चलाए, तो इनको अब नहीं रहना चाहिए, इनको अब नहीं लगता है जब नहीं संभरेगा बिहार तो इनको सत्ता छोड़ देना चाहिए। तो जैसा कि अभी आपने सुना, मैंने लोगों के बीच जाकर ये पता कि RJD की सरकार जब से सत्ता में आई है तो क्या मतलब आपराधिक जो कार्यक्रम है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है या नहीं, तो लोगों का कहना था कि इसमें बढ़ोतरी हुई है और शायद हो सके तो फिर से जंगल राज वापस आ जाए। महिलाओं के बीच में इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी खौफ भी है, उनका कहना है कि जो पिछले 10 साल पहले 15 साल पहले की अगर सरकार देखी जाए जिस समय जंगल राज हुआ करती थी वैसा फिर से वापस आ रहा है, और उनका कहना है कि कानून व्यवस्था को थोड़ी सी टाइट होने की ज़रूरत है, सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है। और तो और लोगों का कहना है कि नई चेहरे को इस बार मौका दिया जाए। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहें एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह, सहयोगी राहुल के साथ, पटना।